फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दें, हम ये पूरा आजम से ले रहे हैं। मान लो डिविडेंड है 5 रुपए का, नेक्स्ट ईयर वी आर गोइंग टू पे डिविडेंड रुपी 5 पर शेयर, 1 लाख शेयर है, सो टोटल डिविडेंड पेड विल बी 5 लाख रुपीज। कंपनी अर्न किया 6 लाख रुपए, सो 1 लाख रुपी इज द रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 10 लाख रुपए की एट द एंड ऑफ ईयर, 1 लाख रुपी ऑलरेडी अवेलेबल विथ अस एज रिटेन अर्निंग, सो वी आर गोइंग टू इशू एडिशनल शेयर्स टू रेज रुपीज 9 लाख ऑफ शॉर्टफॉल। सो एडिशनल अमाउंट कलेक्टेड डेल्टा एंड शेयर इशू करेंगे 1 साल के बाद, उस समय का भाव है P1 रुपए, इतना अमाउंट कलेक्ट करेंगे इतने शॉर्टफॉल के लिए। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 1, दिस एज 2। यहाँ हमने डेल्टा एन पी1 ऐड भी किया और डेल्टा एन पी1 सब्ट्रैक्ट भी किया यूजिंग इक्वेशन 2।
So friends, we can use these two formulas directly in our exams and questions. Now we are doing question number 5. For this chapter of dividend policy, for the entire chapter, we can assume directly as P ratio is equal to 1 upon KE. Yeah, bindas assume kar sakte hain. Pure dividend policy chapter mein, baki mein nahin, only in the chapter of dividend policy.
happy to receive the correct answer from all centers, and so P1 will be equal to 102 rupees. Part 1 of the question is over. We go ahead with part 2.
माय डियर फ्रेंड फ्रॉम वापी, मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, आप आई होप यू ऑल आर एबल टू रीड इट. डोंट राउंड ऑफ एज नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी इन फ्रैक्शंस, एज नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी इन फ्रैक्शंस, सो डू नॉट राउंड ऑफ. अगर आप इसका आंसर डेसिमल में लिखते हैं 8823.53, तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि एमएम के असम्पशन के हिसाब से शेयर्स कैन बी हेल्ड और ट्रेडेड इन फ्रैक्शंस. एंड सो यहां इतना ही आंसर छोड़ दें, या तो पूरा कैंसिल होके एक सिंपल नंबर आ जाए, देन इट्स ओके. बट अगर ये राउंड ऑफ कर रहे हो तो आपका आंसर गलत है. सो डू नॉट राउंड ऑफ. सेम मैसेज टू नासिक एंड वापी एज वेल. राउंड ऑफ करेंगे अनोइंगली आपके मार्क्स कटेंगे. यू मे ब्लेम द इंस्टीट्यूट, बट देन मार्क्स तो कटने ही चाहिए, बिकॉज आपने एमएम के असम्पशंस को यहां फॉलो नहीं किया है. माय अगेन एडवाइस टू नासिक इज दैट जब वो जो वो नंबर पूरा करता ही नहीं है तो अननेसेसरी डेसिमल लेने का फायदा क्या है. यहां पे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसे डेसिमल में नहीं लेंगे, सॉल्व इट लाइक दिस, सॉल्व इट लाइक दिस. 50,000 इंटू 102 एक्सपैंड द ब्रैकेट प्लस 9 लैक्स इंटू दिस, 102 कट जाएगा, फिर माइनस 10 लैक्स प्लस 5 लैक्स डिवाइड बाई 1.1 इज 55 लैक्स डिवाइड बाई 1.1 अब अनदर क्वेश्चन फ्रॉम ज्ञान क्लासेस राजकोट इज दैट वाई के इज इक्वल टू 1/p. व्हेन वी हैव कांस्टेंट ईपीएस, व्हेन वी हैव कांस्टेंट ईपीएस एंड के इज इक्वल टू EPS upon MPS, cost of equity में होता है. जब constant EPS expect कर रहे हो, then we always have KE is equal to EPS upon MPS. And here we assumes, in all theories we are assuming constant EPS in all dividend policy theories. So we have K equal to 1 upon P ratio, because P ratio is nothing else but MPS upon EPS. So in all the dividend policy theories, we are making an assumption of constant EPS. And so, for all the dividend policy chapter, you can use it without any difficulty, anytime, anywhere.
Say for example, return for the project. Say for example, return for the project is 15%, and cost of equity is 10%. Now, what should the company do? Company ne paisa kama liya hai. Now company wants to decide. Company is interested to decide whether to pay dividend or to retain it. If company retains it, it will use the funds for next investment opportunity. Agar wo investment opportunity pe return chhootta hai 15%, to company ko kya karna chahiye? Kya dividend dena chahiye ya retain karna chahiye? My question to you only, should the company retain more to take up new investment opportunity whereby the company can earn 15%, or should the company distribute the dividend, the entire dividend, to the shareholders, and shareholders in turn can invest in their individual capacity at 10%? Kya karna chahiye? सभी लोगों के आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम विहान एजुकेशन राजकोट, और सभी सेंटर्स के आंसर करेक्ट हैं. इट्स लाइक दिस, इफ आई गिव ए सिंपल एग्जांपल विच हेल्प टू विजुअलाइज, नॉट टू राइट इन एग्जाम्स. यू ऑलरेडी हैव अ ग्रोसरी शॉप, और आपको लगता है कि आपने 10 लाख रुपए कमाए. नाउ वेदर यू शुड ओपन अ न्यू ग्रोसरी शॉप और शुड यू विड्रॉ द फंड्स फ्रॉम द शॉप एंड इन्वेस्ट इन द बैंक. बैंक में मिलता है हम आपको 10%. अगर वो पैसा दुकान से निकाल लेते हैं और बैंक में लगाते हैं, वहां मिलता है 10%. बट अगर आप उसी पैसे को वापस से नई दुकान में री इन्वेस्ट करते हो, तो आपको मिलता है 15%. माई स्टूडेंट फ्रॉम विहान एजुकेशन, आप बताएं मुझे, शुड वी ओपन द शॉप, न्यू शॉप, और शुड वी withdraw the money and keep in the bank which can earn me 10%? The answer is very clear. Shop matlab jab khud pe baat aati hai to answer sahi hone lagte hain. Jab khud ki jeb se paise jaate hain tab galtiyan nahi hoti hain, aur yahi cheez yahan feel karne lage to galtiyan kabhi hongi hi nahi. Wahi kahani yahan bhi hai. Agar aap dusri dukan kholte ho to aapka bank balance to kam ho raha hai, still do you mind? Answer is no, because the lesser bank balance is still to earn more, and so you are eyeing, you have a vision that I'll be able to earn 15%, so I don't mind having a lower bank balance but having more earning potential, and I will be happy to open up a new shop. Wahi kahani yahan bhi hai, naya shop, naya project,
नया फाइनेंस लेने का है नया, और इसलिए हम इस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, जो विहान एजुकेशन ने किया वही कंपनी करेगी, और विहान एजुकेशन ने बोला नई दुकान खोलनी चाहिए, कंपनी को भी नया प्रोजेक्ट लेना चाहिए, और नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, इसका मतलब बैंक बैलेंस कम हो तो चले। एंड सो द ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी शुड बी टू रिटेन प्रॉफिट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 100% एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो ऐसा करना चाहिए। फिर भी अगर विहान एजुकेशन वाले दुकान खोलना ना चाहें तो ये उनकी बेवकूफी, क्योंकि फाइनेंस कहता है जहां हम ज्यादा कमा सकते हैं वहां लगाना चाहिए। आंसर दो। आई होप दिस एग्जाम्पल विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी, वेदर वी शुड रिटेन मोर और वेदर शुड डिस्ट्रीब्यूट मोर। इफ इट इज ओके then please confirm okay so that I can go ahead to the next topic. And if this is okay, आज less than KE, अगर दुकान में कम मिलता है 8% मिलता है और बैंक में नई दुकान खोलने से 8% मिलता है और बैंक में 10% मिलता है, क्या करना चाहिए? सारा पैसा बैंक में लगाना चाहिए, यानी कि dividend payout ratio 100%. The entire money to be withdrawn and distributed to the owner of the shop. Owner बोले bank में पैसे लगाओ यार, हमें नया project में भी दम नहीं है. And so retained profit is और अगर दोनों केस में equal हो, you earn the same amount whether you earn from your own investment or whether you earn from the shop, you are indifferent. And so any DP ratio is optimal. We say investors is indifferent. कुछ भी हो ना हो कोई भी फर्क पड़ता नहीं है. कंपनी ने पैसे कमा लिए. माई क्वेश्चन इमीडिएटली, आई एम वेरी स्टूडेंट कैन आंसर माई क्वेश्चन इमीडिएटली. आई एम अ कंपनी, आई हैव अर्नड मनी. द क्वेश्चन इज दैट वेदर आई शुड रिटेन मोर टू टेक अप न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. पैसे अगर कंपनी रिटेन करेगी तो क्यों करेगी? क्योंकि सामने कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है उसे, इसलिए. सो मेरे पास सामने अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं 15% कमा सकता हूं. अगर नया प्रोजेक्ट लेते हूं तो आई कैन अर्न 15%. इफ आई डोंट टेक अप न्यू प्रोजेक्ट, आई विड्रॉ द मनी, आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी एट 10%. व्हाट शुड आई डू? दिस क्वेश्चन इज सिंपलर देन अ कॉमन सेंस क्वेश्चन. मुझे आंसर चाहिए अमरेली स्टूडेंट्स का. व्हाट शुड आई डू? मेरे पास सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है जहां पे मैं 15% कमा सकता हूं, और उस इन्वेस्टमेंट में पैसे नहीं लगा के इफ आई विड्रॉ मनी फ्रॉम द अर्निंग्स एंड कीप इट इन द बैंक आई अर्न जस्ट 10%. व्हाट शुड आई डू? गो फॉर 15%. वही तो मैंने यहां किया है. गो फॉर 15% मतलब रिटेन प्रॉफिट्स and in cash upon the new investment opportunity which earns you, which let you earn 10%, which you let you earn 15%. पैसे को वहां लगाने का जहां ज्यादा कमा सकते हैं. अगर हम नए प्रोजेक्ट में डालते हैं तो उससे मुझे 15 मिलता है, और नए प्रोजेक्ट में नहीं डालें, पुराने किसी जगह में इन्वेस्ट कर दें तो जहां मुझे 10% मिलता है. योर आंसर परफेक्ट. यू मस्ट गो फॉर the new project, you must go for the investment.
and you don't mind having lower bank balance. Because you have put your money in projects, the bank's money is less, then you won't be affected. And that's why optimal balance is saying, optimal dividend policy that take up the new investment opportunity which let you earn more. 15%.
Friends, that's all for today. We'll meet next week and continue with dividend policy. In the meantime, if you have any doubt, please keep it with you so that I can answer those questions on next Saturday at 8:30 a.m. Aaj ke liye bas itna hi. Thank you very much. Have a good day. Thank you.